नमस्कार दोस्तों मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं जहां पर पिछले कई दिनों से यहां की जो सियासत है वो गरमाई हुई है क्योंकि अलग अलग शिक्षक संगठन यहां पे हो रहे एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्शन को लेकर कैंपेन मोड में है लेकिन इसके साथ में जो गौर करने वाली बात ये भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके के बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक देव कुमार देव दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में ई के इलेक्शंस में डी की तरफ से उम्मीदवार है उनसे हम बात करेंगे अलग अलग विषयों पर देव सर आपसे बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आ, हम कहें कि आज का जो अखबार है डेकन क्रॉनिकल हैदराबाद का उसमें एक एडवर्टीजमेंट छपा है वो एडवर्टीजमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लॉस एंजलिस का वो एडवर्टीजमेंट दरअसल ये कहता है कि इस यूनिवर्सिटी ने इस अमरीकी यूनिवर्सिटी ने अपनी फ़ीस में तकरीबन पच्चीस प्रतिशत की कटौती की है और भारत में जितने रहने वाले जो लोग हैं या फिर पर्टिकुलरली हम कहें कि आंध्र प्रदेश में जो जो लोग हैं जो यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए विशेष कंसेशनस हैं अब इसको लेके जो वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वहाँ पे ख़ास तरीके का हम कहें कि एप्रीहेंशन है क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी एक तरीके की फर्जी यूनिवर्सिटी है जिनमें एनरोल करने के बाद में स्टूडेंट्स यहाँ से जाते तो हैं लेकिन उन, उनको कुल जमा मिलता नहीं है मैंने आपसे बातचीत की ये जो शुरुआत है वो इसलिए की कि क्योंकि अभी हाल ही में यू ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेशंस लेके आए हैं जिसके तहत जो है ये कहा उन्होंने कहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अब इंडिया में अपने कैंपस खोल सकते हैं साथ ही के साथ में वो फी पे फी और करिकलम जो है वो खुद डिसाइड कर पाएंगे आप लोगों ने इस पूरे रेगुलेशन का विरोध किया है आखिर वजह क्या है क्योंकि यू जी का जो एक मंतव्य ये भी है कि जो देश में जो रिसर्च में जो गैप है वो ये यूनिवर्सिटीज़ भरेंगी तो आप लोगों का विरोध क्यों है रवि जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है जो मसले हो रहे हैं और ख़ास करके फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल जो पाइपलाइन में है हम लोग इसके विरोध में हैं यह सच है लेकिन सीधा सीधा जिस तरह से कह दिया जाता है कि हम लोग इसके विरोध में हैं वह कहना ठीक नहीं होगा पहले तो यह देखना होगा कि जो चीज़ बदलाव के नाम पर और बेहतरी के लिए आ रही है या लाई जा रही है उसका निरीक्षण और परीक्षण किया जाना ज़रूरी होता है यह इसलिए जरूरी होता है कि हमारा भारतीय समाज हम हमारी जो है ज़मीनी हकीकत क्या है जब तक आप यह अगर सुनिश्चित नहीं करेंगे जब तक आप इसका आकलन नहीं करेंगे आप यह महसूस नहीं करेंगे कि आपकी ज़रूरत क्या है और आप जाना कहाँ चाहते हैं आप बनना क्या चाहते हैं जब तक इन चीज़ों का आकलन नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का सीधा सीधा कि यह बहुत अच्छा है यह कह करके यदि उसको इजाज़त दी जाती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोगों के लिए यह बड़ी समस्या ग्रस्त बात होती है और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं पहली बात दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल की जो बात आपने की कि भाई ये यहाँ पे आ रहे हैं और उनका तर्क है कि रिसर्च क्वालिटी यहाँ पे नहीं है और वो रिसर्च क्वालिटी को बढ़ावा देंगे जो जैसा कि आपने कहा यह कह रहे हैं जैसे यूजीसी कह रही है हाँ जैसा कि आप हम आपने हमसे पूछा आपने यूजीसी का हवाला दिया कि ये यूजीसी कह रही है यूजीसी ये कह रही है सवाल यह है यूजीसी को यह भी बताना चाहिए यूजीसी आज की संस्था तो है नहीं हिंदुस्तान के बहुत सारे स्कॉलर यूरोप से लेके अमेरिका तक विदेश के तमाम लैबों में अनेक नाम हैं जो बड़े बड़े रिसर्च किए हैं और जिनका नाम आया है वो कहाँ से किए थे क्या यहाँ से नहीं किए थे वो कहाँ पढ़ के गए उन्होंने कहाँ रिसर्च किया आपका आई से लेके तमाम जगहों से निकलने वाले जो हैं वो सब प्लेसमेंट बाहर जाते हैं ना क्यों जाते हैं तो मैं ऐसा इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये जो यू का तर्क है वह तर्क सही नहीं है हमारे यहाँ संसाधन हैं पहले से और अच्छे क्वालिटी के रिसर्चर भी निकलते हैं अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर्स भी निकलते हैं अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स भी निकलते हैं अच्छे क्वालिटी के प्रोफेसर और टीचर्स भी हैं यानी हर क्षेत्र में हमारे यहाँ से भारतीय समाज की जो संस्थाएं हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण इंजीनियर गुणवत्तापूर्ण रिसर्च रिसर्चर उत्पादित करने में या निकालने में सक्षम हैं सवाल यह है मैं यूजीसी से या यूजीसी को यह बताना चाहिए कि इन संस्थाओं का क्या हुआ क्या ये ध्वस्त हो गए क्या इनके अंदर क्वालिटी नहीं है कि आप बाहर से बुला रहे हैं पहली बात तो ये ये उनको बताना चाहिए दूसरी बात कि भाई जिस रिसर्च क्वालिटी के नाम पर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल का यूजीसी स्वागत कर रही है क्या उनका पूरा अध्ययन अध्यापन कर लिया है आप जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर को यूजीसी भेज देती है कि आप 20 दिन में फीडबैक दीजिए 10 दिन में फीडबैक दीजिए ऐसे चीज़ों का मूल्यांकन नहीं होता है तो ये कई एक तो प्रक्रियागत पहलू है कि आपने खंगाला नहीं जांचा नहीं परखा नहीं बाहर से अच्छी चीज़ लेने में कोई नुकसान नहीं है कोई हानि नहीं है लेकिन उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है किस तरह क्या हमारे यहाँ के बहुलतावादी संस्कृति और बहुलतावादी समाज को क्या वो संबोधित कर पा रहा है जब तक इन तमाम बिंदुओं का आप सम्यक आंकलन नहीं करते और ब्लाइंडली आप उसको लागू करने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि पहले जो हमारा जो विरोध है वो इस बिंदु पर है इसके बाद अब दूसरे बिंदु पे आइए जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अभी तक फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल का कि उसके अंदर जो क्लाउज है वो कहता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल बच्चों का फीस खुद तय करेंगे फैकल्टी का रिक्रूटमेंट खुद तय करेंगे करिकुलम खुद करेंगे कैरिकम खुद तय करेंगे उसमें कोर्स कंटेंट क्या होगा क्या पढ़ाया जाना चाहिए क्या पढ़ाएंगे वो खुद तय करेंगे इन सब चीज़ों में ऑटोनोमी देंगे यूजीसी से कह रही है एक बात दूसरी बात अपने ही हिंदुस्तान के उन यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान में नंबर वन टू थ्री हैं दिल्ली विश्वविद्यालय है, अपने आप में एक बेहतरीन विश्वविद्यालय इसलिए है हिंदुस्तान का क्योंकि एक मात्र यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसके अधीन अस्सी कॉलेज हैं और हर कॉलेज के नामांकन की प्रक्रिया अपने अपने कट ऑफ लिस्ट से निकालती थी स्वायत्त थे उनसे उनकी स्वायत्तता छीन रहे हैं फीस स्ट्रक्चर की स्वायत्ता छीन रहे हैं उनसे आप जो है कोर्स कंटेंट की स्वायत्ता छीन रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जे तमाम उनसे आप हर तरह की जो स्वायत्तता जो फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल को देने का देने की जो घोषणा यू कर रहा है वो सारी सहूलियत सहूलियतें हिंदुस्तानी अच्छे विश्वविद्यालयों से यू छीन रही है तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया एक जगह तो अपने ही विश्वविद्यालय से वो तमाम चीज़ें कोर्स कंटेंट कैरिकम सिलेबस क्या पढ़ाया जाना चाहिए फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए नामांकन प्रक्रिया क्या होना चाहिए नामांकन का अधिकार था दिल्ली यूनिवर्सिटी को और उसके कॉलेजेज को ये सब छीन करके आपने सी कर लिया फ़ीसें बढ़ा रहे हैं कोर्स कंटेंट यू बता रही है कि एक कंटेंट जो है अब पाँच के बजाय नहीं आपको तीन पीरियड में क्रेडिट करना है समाज को क्या ज़रूरत है पढ़ाया जाना ये तय करते थे शिक्षक यह शिक्षक का काम था यह विश्वविद्यालयों का काम था कि हमारी ज़रूरत क्या है हमें एक इंक्लूसिव इंक्लूसिव माइंड समावेशी दिमाग की भी ज़रूरत थी आप इन सबको यू छीन रही है और फॉरेन यूनिवर्सिटी को कह रही है कि उनको हम दे रहे हैं तो यह जो गैप है जो अंतर है दोनों में इस चीज़ को समझना है कि ऐसा यू क्यों कर रही है और इसके पीछे क्या कोई छिपी हुई चीज़ है मैं एक शिक्षक होने के नाते और शिक्षक उम्मीदवार होने के नाते मैं इन चीजों का आंकलन करने का प्रयास करता हूं और मुझे इसमें कुछ ना कुछ छिपी हुई चीजें दिखाई पड़ती हैं इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं अब आप पूछेगा कि आपको क्या दिखाई पड़ गया भाई आप ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं हमें एक चीज जो आपके आप बीच में रोक के पूछना चाह रहा था जो तमाम अखबारों को यूजीसी चेयरमैन जो मामी डाला जगदीश कुमार है उन्होंने बताया कि जो छात्र यहाँ से जाते हैं वो ट्यूशन फीस देते हैं और लिविंग एक्सपेंसेस पे खर्चा करते हैं यानी वहाँ पे रहने के लिए खर्चा करते हैं अगर ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ आती हैं तो उन्हें ये जो रहने वाला जो कंपोनेंट है उनका बच जाएगा तो आप इस बात से सहमत हैं देखिए यह बात हो सकता है कि यहाँ से जो विद्यार्थी जाते हैं बाहर उनको लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है मैंने भी इस चीज़ का खंगाला है यह बात सच है तो फिर यूजी सी यह तय करे ना कि वो किसके लिए बनी है भारतीय समाज में शिक्षा किसके लिए है बाहर कौन जाते हैं जाहिर सी बात है तुलनात्मक रूप से जो सक्षम तबका होगा जो पे करने की स्थिति में होगा वही बाहर जा रहा है जिसके पास आर्थिक और शैक्षणिक संस्थान जो है मजबूत होंगे मतलब घर पे करने की स्थिति में उनके पेरेंट्स होंगे वही जा रहे हैं तो उनका लिविंग कॉस्ट वहाँ ना हो लिविंग कॉस्ट हम यहाँ यहाँ कम रहेगा यहीं पढ़े यह तो हो सकता है लेकिन जो दूसरा जो तबका है मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो बाहर नहीं जा रहा था यहीं से पढ़ के बेहतरीन इंजीनियर बेहतरीन रिसर्चर बेहतरीन अध्यापक बेहतरीन डॉक्टर बन रहा था बेहतरीन प्रशासक बन रहा था और वो जिन संस्थानों से पढ़ रहा था उनका आपने क्या हल किया है ना उनका आपने क्या हल किया आप फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ आए आप खोल दीजिए अलग कैंपस बना दीजिए उनको ज़मीनें अलॉट कर दीजिए ना सरकार की ज़मीनें पड़ी हैं वो कैंपस खोलें वो अपना सब कुछ तय करें लेकिन इन संस्थ, इन संस्थाओं को इन विश्वविद्यालयों को आप ध्वस्त क्यों कर रहे हैं आप सी क्यों लाए सी से आप सी से जो अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि यह है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट टेस्ट इसके बाद में जो देश में पढ़ रहा कोई भी छात्र है उसे ये पेपर देना होगा तभी वो जो है देश के विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले पाएगा आने वाले साल से सी को लेके आप आप लोगों का जो है हम ये कहें कि चिंताएं जो हैं वो क्यों हैं छात्र जो हैं छात्र जब हम छात्रों से बात करते हैं तो उनका आरोप ये है कि इससे जो कोचिंग इंडस्ट्री है जो पहले ही ग्रूम काफ़ी फ्लरिश कर रहे उसे और बढ़ावा मिलेगा और कोचिंग की फीस वही दे पाएंगे जो रिलेटिवली रे, समृद्ध घरों से हैं बतौर शिक्षक अगर हम शिक्षक की दृष्टि आप से आपसे सवाल पूछू सी के लिए लेकर आपका विरोध क्या है या आपकी चिंता क्या है देखिए सी जिसके तहत एडमिशन का प्रस्ताव जो लागू किया गया यह कहते हुए लाया गया कि ये, आ, यह जो है याद कीजिए कि एक बार क्या हुआ था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में किसी स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी ज्यादा हो गए थे केरला या जो भी आप कह लीजिए और भी हो सकते हैं उसको आधार बना के यह हंगामा हुआ और ये भूमिका बनाई गई कि सी -E लाया जाए अब आप देखिए सी -E के माध्यम से क्या हुआ पहली चीज़ तो एकदम आप सही कर रहे हैं जो विद्यार्थी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आपने कोचिंग को मशरूमिंग कर दिया और सी -E में आप क्या सवाल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सूचनात्मक ज्ञान ऑब्जेक्टिव सवाल सूचनात्मक ज्ञान एक चीज़ है लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है आपका ज्ञान आपका जो है विश्लेषणात्मक ज्ञान कितना है ठीक एक तो यह बात है दूसरी चीज़ है कि सी से जब एडमिशन हुआ तो अभी आप देखिए कि छः महीना दिल्ली विश्वविद्यालय में सेशन लेट हो गया यानी सी की आपकी तैयारी नहीं थी पहली बात तो सी अगर लागू करना था तो एक साल तैयारी कर लेते सेशन जो हम जुलाई में शुरू करते थे दिल्ली विश्वविद्यालय का वो सेशन आज शुरू हुआ आपका जो है दिसंबर में छः महीना लेट हो गया ठीक अगर यह तैयारी नहीं थी विश्वविद्यालय प्रशासन को या यू को तो एक साल लेट करते उसे दो फायदे होते एक तो आप बेहतर तरीके से सी को लागू करते दूसरा क्या होता दूसरा यह होता कि पेंडेमिक के दौर में जो एकेडमिक कैलेंडर है जो दिल्ली विश्वविद्यालय का वो ओवरलैप जो किया है उसको आप पकड़ पाते समय पे रिजल्ट देना एक बात तो ये होती है अब सी के माध्यम से जो मैं ये कह रहा हूँ सीटें खाली रह जा रही हैं दिसंबर में जैसे ही एडमिशन हुआ इस इससे नुकसान यह हुआ कि जो पेरेंट्स पे कर सकते थे वो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिला दे दे चुके हैं ठीक और वही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी सीटें खाली रहती थी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम जुलाई में एडमिशन कर लेते थे और एडमिशन करने का पूरा अधिकार दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेज को था जब कट ऑफ निकाल के करते थे तो उनकी जो सीटें थी वो खाली रहती थी हमारी सीटें भर जाती थी इसका मतलब इसका गुण इसका जो हमारे विश्वविद्यालय की जो गुणवत्ता है जो आकर्षण है वो बरकरार था यानी जानबूझकर कहीं ना कहीं एक षडयंत्र इसमें दिखाई पड़ता है कि हमने डिले किया वो तब का वहाँ चला गया और दूसरा ये हुआ कि सीटें खाली रहीं और समाज के जो गरीब गुरबे दूर दराज इलाके के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े इवन की लड़कियां जेंडर इन सबका अनुपात घट गया क्योंकि बहुत सारा टेक्नो फ्रेंडली अभी हमारा समाज नहीं हुआ है वो अपने कैफे में गए फॉर्म भरने के लिए कैफे वाल फॉर्म तक नहीं भर पाए उनका उनके पास कोई सूचना गया वो ईमेल जो है कैफे वाले का रहा वो बता नहीं पाए डर गए लोग कि कैसे क्या एग्ज़ाम हुआ मतलब कैसे क्या होगा जो कमज़ोर हैं जो तबके कोई कोचिंग नहीं कर पाया तो वो जो प्रबंध जो मैनेजमेंट है वो हमारे यहाँ उन बच्चों को जो पिछड़े हैं सामाजिक या आर्थिक रूप से जो तबके का उनका वो नहीं हो पाया मैनेजमेंट इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं था जैसे एक किसान जो है संभव है कि वो आपके मार्क्स ले लें या जो है आपके प्र, मुंशी प्रेमचंद को ना जानता हो लेकिन खेती कैसे की जाती है किस मौसम में क्या बोना है किस मौसम में कैसे पानी डालना है ये बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हो जाएंगे यानी नॉलेज उसके पास है तो आपको ये देखना होगा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों दो चीज़ें हैं सी का बेस जो है वो इन्फॉर्मेशन का है नॉलेज का नहीं है और शिक्षा जब देश आज़ाद हुआ था तो शिक्षा का उद्देश्य यह भी था कि नौकरियों और तमाम अवसरों को सिर्जित करने के साथ साथ भारतीय समाज को एक सभ्य समाज में तब्दील होना था और सभ्य समाज में हम तब्दील या सभ्य नागरिक हम तभी बनेंगे जब विश्वविद्यालय में ज्ञान का आदान प्रदान होगा जब बहस होंगे विरोधी विचारों का डिबेट होगा सोच के स्तर पर हम बेहतर बनेंगे इसको तो समाज ने पीछे रख दिया अब सी के माध्यम से कह रहे हैं कि ये एडमिशन हम कर ले रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनका फीस देना बच्चों का पहले तो वहाँ कोचिंग में फ़ीस हो दे तो एक तबका बाहर हो रहा है सी के माध्यम से हम क्या करते थे कि ट्वेल्थ का एग्जाम मार्कशीट लेकर के बच्चा आ जाता था हम आराम से उसको एडमिशन दे देते थे और अपने स्तर पर खंगाल भी लेते थे कि बच्चे का डेप्थ क्या है पूछ लेते थे एडमिशन करते वक्त कि तुम इसको जानते हो इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है तो हमें उसका टेम्प टेम्परामेंट भी पता चल जाता था तो ये सारी खामियां हमें सी में दिखाई पड़ती हैं कि यह कुल मिलाकर के व्यवसायीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है और इससे जो है समाज के आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर तबका जो है बाहर हो जाएगा उस शिक्षा से और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं अब इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है मेरा वो है यू जी करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर जो अभी जारी हुआ जिसमें अब यूजीसी साफ तौर पर कह रही है कि चार साल का आपका ग्रेजुएशन है उस चार साल के ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अगर आप एक साल में अगर आप एक साल का कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा दो करते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा तीन करते हैं तो डिग्री मिलेगी तो चार साल पूरे करते हैं तो डिग्री विद ऑनर्स मिलेगा इसमें भी जो हम कहें कि शिक्षकों में भारी जो है रोष है ये इसके इतर जो बाक़ी जो हम कहें कि जो प्रशासक हैं उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि पहले तो जो स्टूडेंट था वो तो ड्रॉप आउट कर जाता था उसके हाथ में कुछ नहीं होता था अब तो उसके पास सर्टिफिकेट होगा डिप्लोमा होगा तो इसमें आप लोग जो है आप लोगों का क्या विरोध है या फिर हम कहें कि इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं देखिए ये जितनी बातें आपने कही यही तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 नेप जो 2020 आया उसके हिस्से थे कि चार साल पाठ्यक्रम होगा मल्टीपल एग्जिट और ये होगा और उसके पास एक डिग्री होगा आप बताइए अभी तक जिन विद्यार्थियों के पास अलग अलग यहाँ पे संस्थान हैं जहाँ से बी टेक के इंजीनियरिंग किए हुए लोग बच्चे जो है बेकार हैं उनको पंद्रह हज़ार की नौकरी नहीं मिल पा रही है है ना दस हज़ार की नौकरी नहीं मिल पा रही है बेकार हैं इन विश्वविद्यालय से एम फिल किए हुए लोग बेकार हैं तो ऐसे में अगर हम सिर्फ किसी को एक साल में डिप्लोमा या डिग्री उस डिग्री को पकड़ा के आप क्या साबित करना चाहते हैं उद्देश्य क्या है यू का क्या वो डिग्री पकड़ा देना या उसको जॉब पकड़ाना एक चीज़ दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि स्किल बेस्ड जो शायद आप मिस कर गए स्किल बेस्ड मतलब ये है कि स्किल्ड बेस्ड अगर करना है तो हायर एजुकेशन क्यों वो अलग से वोकेशनल उसके जो इंस्टीट्यूट हैं वो खोलिए ना यहाँ तो आप क्या मतलब करेंगे पहले साल में डिप्लोमा पहले साल में सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट फिर डिप्लोमा फिर डिग्री फिर जो है आप डिग्री ऑनर्स तो भाई उस डिप्लोमा का क्या इस्तेमाल होगा सर्टिफिकेट का क्या इस्तेमाल होगा सर्टिफिकेट किस तरह का कोर्स कराएंगे क्या दसवीं क्लास का कोर्स कराएंगे क्या यह बताएंगे कि जो कारपेंटर समुदाय से जो व्यक्ति है वो आ रहा है तो क्या उसको कारपेंटर का काम घर पे सिखाएंगे मतलब विश्वविद्यालय में या उसको अगर स्किल्ड बनाना भी है तो उसके लिए अलग एक इंस्टीट्यूट बनाते जहाँ उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हालांकि हमारे यहाँ ट्रेंड जो है खुद अपने घरों से आता है परिवेश से होकर के आता है है ना तो ये सब ऐसा लगता है कि यह कहीं ना कहीं आ, जो कमज़ोर तबके के जो लोग हैं सामाजिक आर्थिक रूप से उनको बाहर करने का षड़यंत्र है क्योंकि इसके पहले जो कैरिकुलम था जब बच्चा आ जाता था तो कम से कम तीन साल पढ़ता था तो एक सोच भी लेकर के जाता था अगर उसके पास डिग्री है नौकरी नहीं भी मिली तो एक सोच लेकर के जाता था कि देश में समाज में दुनिया में कैसे लोग हैं कैसी भाषा बोली जाती है एक दूसरे के प्रति कैसे रिश्ते हैं कटुता के रिश्ते हैं या भाईचारे के रिश्ते हैं हमें कैसे समाज में रहना चाहिए कम से कम इतना हम पढ़ा देते थे अब आज सर्टिफिकेट लेकर के जाएगा तो कहाँ का वो रहा किस तरह का रहा ये समझ में नहीं आया अब आते हैं मेन सवाल पे है ना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में डी की तरफ से इसी के इसी का उम्मीदवार है क्यों मैं ये आपसे पूछूं कि क्यों ये जो है इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जरूरी हो हैं या फिर इनकी रेलेवेंस जो है वो क्या है तो अगर आपसे मैं ये सवाल कहूँ तो आप क्या कहेंगे ये बहुत बेहतरीन सवाल है और इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए आपने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ई यानी एक्सिक्यूटिव काउंसिल जिसको कार्यकारी परिषद कहा जाता है इसका चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है ये आपने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसका चुनाव होना चाहिए पहली बात तो ये है और चुनाव ही नहीं होना चाहिए इसमें शिक्षक प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए अभी मैं बताऊं दिल्ली विश्वविद्यालय में इसी जो है कार्यकारी परिषद यह उच्च निर्णायक संस्था है जहां से दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके तमाम कॉलेज के प्रशासनिक निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय इसी इसी से लिए जाते हैं वाइस चांसलर अकेले निर्णय नहीं ले सकते इसी बॉडी से निर्णय लिए जाते हैं और इसके नीचे है एकेडमिक काउंसिल विद्वत परिषद जिसमें एकेडमिक मैटर पर बहस होती है हो तैयार होता है हाँ सारा निर्णय लिए जाते हैं पहली बात यह क्लियर कर दूँ कि इसी में मात्र दो टीचर प्रतिनिधि होते हैं तो अगर दो टीचर प्रतिनिधि जीत भी जाएं, दोनों एक हो भी जाएं, तब भी वो जो है किसी निर्णय को पलटने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि बहुमत प्रशासन का होता है इसी तरह एकेडमिक काउंसिल में 105 सदस्य होते हैं मात्र 26 इलेक्टेड टीचर रिप्रेजेंटेटिव का प्रावधान है तो कोई भी निर्णय अगर शिक्षक प्रतिनिधि बदलना भी चाहें तो वो सक्षम नहीं होंगे क्योंकि बहुमत उधर का होगा वोटिंग हो जाएगा और प्रायः डीन हेड्स वगैरह वो जो है प्रशासन के साथ जाते हैं तो आपका निर्णय वो बदला नहीं जाएगा इसीलिए दोनों का चुनाव भी होना चाहिए और संख्या जो शिक्षकों की होनी चाहिए वो इस स्तर पे होनी चाहिए ताकि निर्णय को प्रभावित किया जा सके जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है यह एक बात स्पष्ट होनी चाहिए दूसरी बात हम इसलिए यह इलेक्शन होना चाहिए कि शिक्षक प्रतिनिधि जो हैं और वो जेन्युन हैं तो कम से कम जो शिक्षक विद्यार्थी कर्मचारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं इनसे जो जुड़े हुए मसले हैं और इससे बढ़कर ओवरऑल शिक्षा से जो जुड़े हुए मसले हैं सी यू टी के जैसा आपको जिक्र किया प्रशासन उसको थोप रहा है हमें लग रहा है कि ये ये कमियां हैं तो मैं रखता हूं मैं रख सकता हूं कि इसमें ये दिक्कत है आप इसको ये मॉडिफ़ाई कीजिए सी यू टी में ये गड़बड़ी है कोचिंग बढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय से आप उसका अधिकार मत छीनिए तो ये कम से कम हम कह पाएंगे हम जानते हैं कि हमारे ये कहने से जो निर्णय है वो नहीं बदल सकते चाहे तो और नहीं बदलते हैं लेकिन खड़े होकर के कम से कम यह आवाज़ कि ये जो दिक्कत है ये दिक्कत है और आप गलत कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन गलत कर रहा है इसलिए यह चुनाव होना चाहिए और महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें आपकी तरफ से जो है इश्यूज़ क्या हैं महत्वपूर्ण क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेली यूनिवर्सिटी में डिसप्लेसमेंट काफ़ी भयानक तरीके से हुआ है अभी तक की जो लिस्ट है वो तकरीबन तीन सौ आठ लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं तो आप लोगों की तरफ से क्या मुद्दे रहने वाले हैं देखिए मुद्दे रहने वाले हम लोग के तरफ से नहीं है ये विश्वविद्यालय का मुद्दा है बड़ा साफ है देखिए किसी भी विश्वविद्यालय को बनने में शिक्षक छात्र कर्मचारी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है जिस शिक्षण संस्थान में शिक्षक अस्थायी नहीं होंगे कर्मचारी अस्थाई नहीं होंगे जहां समाज के विभिन्न हिस्सों से आए हुए छात्रों की भरपा भरमार नहीं होगी उनके रहने के हॉस्टल्स नहीं होंगे वह शिक्षण संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान में तब्दील नहीं हो सकता तो सवाल यह है कि अभी जो नियुक्ति हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने ही नियुक्ति बंद कर रखी थी किसी ने कहा नहीं था एक तो सरकार के तरफ से यूजीसी के माध्यम से बार बार ऐसी नीतियां आ रही थी जिसका विरोध यहाँ का शिक्षक संगठन कर रहा था और एडमिशन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर रहा था तो कच्चे तौर पर नौकरी करने वाले एडहॉक साथी हाँ हाँ एडहॉक साथियों की संख्या बढ़ी आज जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई तो आप तेईस साल के टीचर्स को निकाल देंगे पंद्रह साल के टीचर्स को पढ़ाने वाले को निकाल देंगे पाँच साल सात साल आठ साल को निकाल देंगे और उसी का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आज पाँच साल का है उसका मतलब जस्ट आया है उसको आप रख लेंगे तो यह जो चीज़ है यह कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ अनजस्टिस है इनह्यूमन है अमानवीय है इसका मतलब यह नहीं है कि जो नए को आपने नौकरी दी वो गलत है वो सही है लेकिन ये नौकरियां जो आपने इतने दिनों से रोक रखी यह प्रक्रिया चलती रहती तो उसका नंबर आज वाजिब था तो वेटेज जो, जो है इनको दिया जाना चाहिए तो पहला तो यही चीज़ है कि भाई डिस्प्लेसमेंट ना हो दूसरा वर्कलोड प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल का साइज़ बढ़ा दिया गया है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इससे वर्कलोड घट रहे हैं ये है कि भाई एक तरफ जो है जो परमानेंट नियुक्ति हो रही है उसमें विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दूसरे तरफ आप वर्कलोड घटा रहे हैं और तीसरा एडोक की नियुक्ति आप नहीं कर रहे हैं उसके जगह पे गेस्ट तो कल को वर्कलोड घटेगा तो जो गेस्ट है उसको हटा देंगे आनी एडोकजम खत्म करने के नाम पे एक तरह से आप जो है नौकरी ही खत्म करने के परिस्थिति में है क्योंकि दूसरी तरफ वर्कलोड घटेगा जो गेस्ट है उसको हटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट वर्कलोड नॉर्म्स, गेस्टिजम की अपॉइंटमेंट ये सब का ये सब इशू हैं ज्वलन जिनको तत्काल जो है जिसका समाधान किया जाना चाहिए और ये सब हम लोग इसी के मुद्दे में उठा रहे हैं इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एकेडमिक पार्ट जो सी यू टी स्वयं से लेकर के आपका क्लस्टर वगैरह ऑनलाइनीकरण कौन पढ़ेगा सैक वैक कल को यूट्यूब चैनल दे, देखेगा ऑनलाइनीकरण क्यों जो है क्लस्टर में पे करेगा बच्चा यूट्यूब देखेगा तो पूरी तरह से जो ऑनलाइन एजुकेशन यानी फिजिकल टीचर की जरूरत ही नहीं है ये सब जो हिडन ही, एजेंडा था ये पूरा हो गया है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसमें टेनुअर ट्रैक जिसमें जो है वेरिएबल पे स्ट्रक्चर जिसमें स्टूडेंट के फीडबैक पर शिक्षकों का जो है आ, आ, कहते हैं कि जो नेशनल इंक्रीमेंट प्रमोशन वो सब डिसाइड होगा ये सब बड़ा ख़तरनाक है तो इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये जो पार्ट है इसको भी हम चुनाव में रख रहे हैं ताकि टीचर जो है इससे अवेयर हो और इनका एक जो है विरोध हो और जहाँ जहाँ गुंजाइश बने कि इसमें सुधार किया जा सकता है वो विश्वविद्यालय प्रशासन उसमें मॉडिफाई करे उसमें सुधार करे इसके लिए हम दबाव बना रहे हैं चुनाव में दरअसल हम दबाव बनाते हैं सवाल यह है कि हमारी जो डूटा है वर्तमान दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन उसका जो नेतृत्व है वो खामोश है इन सब चीज़ों पे एकदम सरेंडर किया हुआ है कैसे वो ऐसे देखिए कि सरकार की अपनी नीति है सेम सेट के पीपल जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और कहीं ना कहीं सेम सेट डूटा नेतृत्व को भी दे दिया गया तो वो उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं उनके अगेंस्ट वो बोल नहीं रहे हैं कि पॉलिसीज़ में ये ये खमी है इसीलिए हम शिक्षकों को जगा रहे हैं कि ये ये घातक जो है जो है स्थितियां हैं और अपने डूटा लीडरशिप जो हमने सरेंडर कर दिया है सरकारी मतलब लोगों को वो ठीक नहीं है एक चीज़ तो ये दूसरी तरफ इसी से आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली सरकार बारह कॉलेज में ग्रांट नहीं दे रही है मतलब उनका झगड़ा है सैलरी ही नहीं दे रहे हैं छः छः महीने से चार चार महीने से यानी उनका झगड़ा है दिल्ली विश्वविद्यालय से गवर्निंग कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन को लेकर तो अरे भाई दिल्ली सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़े ना काम करने वाले शिक्षक कर्मचारियों की इसमें क्या गलती है उनको आप छः छः महीना क्यों सैलरी बंद कर रहे हैं तो एक तरफ आम आदमी पार्टी की कारगुजारियों से जो सैलरी नहीं बन रही मिल रही है बारह कॉलेजेज में और शिक्षक कर्मचारी त्रस्त हैं तो और उसका शिक्षक संगठन ए इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ना कर रही है तो एक तरफ तो वो तबाह करने में लगे हुए हैं दूसरे तरफ जो सरकारी सरकार है बीजेपी की सरकार नेतृत्व वाली और उसका शिक्षक संगठन यहाँ एन है और एन डी में है ये जो है ना तो केजरीवाल सरकार से लड़ पा रही है ना अपनी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ लड़ पा रही है डिस्प्लेसमेंट गेस्टिज्म वर्कलोड नॉर्म्स इस पर नहीं बोल रही है तो ये दोनों सरकार और दोनों सरकार के शिक्षक संगठन कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि याद रखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को केजरीवाल सरकार ने आगे बढ़कर स्वागत किया था तो ये दो चीज़ें हैं हम यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच कि हम प्रतिरोध की आवाज़ बने ये दोनों जो कर रहे हैं दोनों आ, सरकारों के जो शिक्षक संगठन जो ला रहे हैं वो ठीक नहीं है और हम जो कर सकते हैं वो लड़ करके ही हासिल कर सकते हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लड़ने का डॉक्टर नंदिता नारायण स्टीफेंस की दो प्रेसिडेंट थी 2016 में यही वर्कलोड नॉर्म्स आया था यूजीसी जी के तरफ से 2016 में जो आज यूनिवर्सिटी से आया है उसको पुश बैक किया था जिसमें हुआ यह था कि परमानेंट शिक्षक 16 के बजाय 23 घंटे पढ़ाने के लिए बाध्य हो रहा था और एडहॉक की नौकरी जा रही थी हमने इसके खिलाफ लड़के बचाया हमने दो में सैद्धांतिक रूप से टू पॉइंट रोस्टर सेटल था थर्टीन पॉइंट रोस्टर ये सब यू ने किया था और सेंट्रल बीजेपी की सरकार आ गई थी उसने डिस्टर्ब किया यानी जान के वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे हमने उसको लड़ करके के डॉक्टर नंदिता नारायण के नेतृत्व में हमने उसको बैक किया ए जिसमें प्रमोशन लोगों के संभव नहीं थे ए को ऑल इंडिया मूवमेंट बना के उसको हटाया और प्रमोशन का मार्ग जो है खुला एफ जिसको रोल बैक कराया आज वही एफ सेंट्रल गवर्नमेंट तब बीजेपी हमारे साथ थी आज उस वही बीजेपी उसी एफ के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में ये ला रही है और लेटेस्ट जो हमारा आंदोलन था राजीव रे के नेतृत्व में 2019 में जो वी सी ऑफिसों को उपाय किया था जिसमें हमने गेस्टिजम रोका था गेस्टिजम रोका था और हमने पेंडेमिक के दौर में एडहोक को यथास्थिति बचाए रखी थी आज क्या हुआ था कि जब अपॉइंटमेंट हुआ तो उसी एडोक को बाहर किया जा रहा है तो हम शिक्षकों के बीच ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो सरकारें हैं केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार दिल्ली कि आम आदमी पार्टी सरकार और दोनों के जो शिक्षक संगठन हैं एन और ए ये दोनों फेल हो चुके हैं और अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं और इसमें शिक्षक डिस्प्लेस हो रहा है वर्कलोड नॉर्म्स घट रहा है गेस्टिज्म बढ़ रहा है शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीतियों का खुलकर समर्थन जो है वर्तमान एनडीटीएफ के लोग जो डूटा को नेतृत्व कर रहे हैं ये लोग स्वागत कर रहे हैं इन दोनों के खिलाफ हमारी जो है लड़ाई है हम शिक्षकों के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं देव सर शुक्रिया न्यूज क्लिक से बात करने के लिए तो जी बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे देव कुमार बाकी डेवलपमेंट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज क्लिक